हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको कान्हा जी की 0 नंबर की पोशाक बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। ये मैंने पिंक कलर की नेट ली है, आप चाहें तो किसी और कलर की भी ले सकते हैं जो आपको सुंदर लगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। पहले हम एक स्ट्रिप काट लेंगे। देखिए, पतली सी स्ट्रिप मैंने काट ली है, ये देखिए फ्रेंड्स। मैं आपको इसकी मेज़रमेंट करके बताती हूँ। ये हमें 3 इंच की लेनी है इसकी, और इसकी लंबाई हम 50 इंच की लेंगे। ये मैंने एक और स्ट्रिप ली है, इसकी चौड़ाई देखिए हमें 8 इंच लेनी है, और हमें इसे फोल्ड कर लेना है। और इसकी लंबाई 45 इंच हमको लेनी है, 45 इंच। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, मैंने गोटा पट्टी ली है, मैंने गोल्डन कलर की ली है, आप चाहें तो सिल्वर कलर की या कोई और कलर की भी ले सकते हैं। ये जो हमने 3 इंच की जो स्ट्रिप काटी थी, देखिए फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, ये गोटा पट्टी हम इधर से इसको सुई से लगा देंगे। मैं आपको दिखाते हैं हमें इसको कैसे लगाना है। ये मैं बहुत ही इजी वे शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स आपके साथ, बहुत ही आसानी से इसे घर में बना सकते हैं। ये देखिए, सुई धागे की मदद से मैं इसको गोटा पट्टी को इस पूरी स्ट्रिप पे लगा दूंगी। ये पीछे से नेट हमें दिखना नहीं चाहिए, पट्टी हमें अच्छे से लगानी है। देखिए फ्रेंड्स, आपको इसी तरीके से ये पट्टी पूरी पूरी स्ट्रिप पे लगा देनी है आखिरी तक। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने पूरी पट्टी लगा ली है, आपको ये इस तरह ही लगानी है। देखिए, आपको इसको थोड़ी सी इसकी प्लेटें सेट कर लेनी है ताकि हम जब ड्रेस बनाएं थोड़ी वो सेट सी लगे। देखिए, थोड़ा ऐसे करके आप इसको सेट कर ले प्लेट को। गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा दें। ये देखिए, जो हमने 8 इंच की जो पट्टी ली थी, अब हमें इस पर भी ऐसे ही गोटा पट्टी लगानी है। ये जो इसका खुला वाला पार्ट है, हमें इस इधर से लगानी है पट्टी। देखिए, इसको आगे से थोड़ा मोड़ के गोटा पट्टी को, उसके बाद हम इसको भी सुई से पूरा सील देंगे। ये मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आप इस तरीके से किसी भी साइज़ के लड्डू गोपाल की ड्रेस बना सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी आपको कैसे क्या करना है। देखिए फ्रेंड, हमको इसी तरीके से इसको भी पूरी स्ट्रिप पे लगा देना है। मैं आपको इसको पूरी लगा के दिखाती हूँ। देखिए, मैंने इसको पूरी स्ट्रिप पर लगा लिया है। जो हमने ये दोनों स्ट्रिप पर गोटा पट्टी लगाई थी, अब हम इन दोनों स्ट्रिप्स को एक साथ ले लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये 3 इंच वाली और एक 8 इंच वाली, इन दोनों को हम रख के इन दोनों को सुई धागे की मदद से सील देंगे। देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ हमें कैसे करना है।
देखिए, आप बहुत ही इजी वे से इसे घर पे ही तैयार कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब ये दोनों शिफ्ट को मैंने ले लिया है। अब हम इनको सुई धागे की मदद से सील देंगे। ये पोशाक बहुत ही सुंदर लगेगी हमारे कान्हा जी पर। आपको इसे बड़े ही ध्यान से करना है, ये स्लिप ऊपर नीचे ना हो, ताकि हमारी एकदम परफेक्ट ड्रेस बने कान्हा जी की। ये आपको पूरा इसी तरह इसको सील लेना है सुई की मदद से। चलिए मैं आपको इसको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये इसकी सिलाई होने के बाद हमको ये धागा इससे खींच लेना है। देखिए मैं बताती हूँ आपको कैसे करना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक बटन भी ज़रूर दबाएं। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमें ये धागा को खींच लेना है। देखिए इस तरीके से हमें धागे को खींच लेना है। इसमें सिलवटें पड़ जाएंगी, इसे प्लेटें डल जाएंगी। ये देखिए, हमें धागे को तब तक खींचना है जब तक हमारे लड्डू गोपाल के साइज की नहीं बन जाएगी। ये देखिए, इसकी जो ये कमर है ये 6 इंच होनी चाहिए। हमें जब तक खींचना है जब तक ये 6 इंच ना हो जाए। देखिए आप इसे नाप सकते हैं उसके बाद। देखिए फ्रेंड, ये मेरी 6 इंच से थोड़ी सी बड़ी हो गई है। मैं थोड़ा सा धागा और खींच लेती हूँ। ये देखिए, अब ये परफेक्ट 6 इंच की हो गई है। अब आप इसे अच्छे से लॉक कर दें इधर से, ताकि ड्रेस खुले ना। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही सुंदर हमारी चोली तैयार हो गई है। अब देखिए, मैंने एक स्ट्रिप ली है, ये मैंने 2.5 इंच की स्ट्रिप ली है। आपको इसको फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद आपको इसका इतना पार्ट आगे से छोड़ देना है। दोनों साइड से हम इतना पार्ट छोड़कर इसको लगा देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमें इसको ऐसे फोल्ड कर देना है इसकी कमर पे। ऐसे फोल्ड करके हम सुई धागे की मदद से इसको सील देंगे। देखिए मैं आपको करके दिखाती हूँ हमें कैसे करना है। ये इतना पार्ट मैंने आगे छोड़ दिया। देखिए इसको फोल्ड करके मैं सुई धागे की मदद से इसको सील दूंगी। आप इस तरीके से किसी भी साइज़ के लड्डू गोपाल की ड्रेस बना सकते हैं। आपको आपके लड्डू गोपाल के कमर के अकॉर्डिंग इसको बनाना है। जितने कमर का साइज़ हो आप उतने इंच की इसकी कमर रख लें। देखिए फ्रेंड्स, आपको इसी तरीके से इसको पूरा सील देना है। दोनों साइड हम इतना ही रखेंगे।
ताकि हम इसको बाद में बांध सकें। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने इसको पूरा सील लिया है। ये जो पीछे बांधने के लिए जो हमने छोड़ा था, इसको भी हम ऐसे करके सील लेंगे। ये देखिए, ये देखिए, इस तरफ भी हम ऐसे ही कर लेंगे। ये हमारी तैयार हो गई है कान्हा जी की फ्रॉक। अब हम इसकी चोली तैयार करने वाले हैं। ये मैंने एक स्ट्रिप ली है, देखिए ये इसकी चौड़ाई 2.5 इंच लेंगे और इसकी लंबाई 8 इंच लेंगे। हमें इसे फोल्ड कर लेना है 2 बार। ये फोल्ड करके हमें इसकी कटिंग करनी है। ये देखिए, ये हमें ऐसे टेढ़ी इसकी कटिंग करनी है साइड से। ये मैं घोटा पट्टी ले रही हूँ। ये चोली के दोनों साइड से हम ऐसे करके इसको सुई की मदद से सील देंगे, देखिए। और इतनी पट्टी हमें इसको छोड़ लेनी है ताकि हम नेक के पीछे, लड्डू गोपाल के नेक के पीछे इसको बांध दें। ये देखिए, सुई की मदद से इसे सील देंगे दोनों तरफ से। ये देखिए, इधर से हमने काट दिया ये इतना पार्ट छोड़ के। हमें दूसरी तरफ से भी इसको ऐसे ही लगा लेना है। ये देखिए, ये मैंने लगा के तैयार कर ली है और ये हमारी चोली भी तैयार हो गई है। अब हम इन दोनों को मिलाकर ये पूरी ड्रेस कंप्लीट कर लेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ हमें कैसे करनी है। ये इसका बीच का पार्ट पर हमें निशान मार्क कर लेना है। और ये नीचे की स्कर्ट पे भी हम एक निशान लगा लेंगे बीच में। इन दोनों को बीच में रख के हम इन्हें ऐसे हम इन्हें सुई की मदद से सील देंगे। और ये बहुत ही आसान तरीके से हमने लड्डू गोपाल की बहुत ही सुंदर ड्रेस तैयार कर ली है। अब बिना मशीन के इसे तैयार कर सकते हैं। देखिए कितनी सुंदर लग रही है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी ड्रेस तैयार हो गई लड्डू गोपाल की। ये ऐसे हम इसे नेक के पीछे बांध लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर लड्डू गोपाल की ड्रेस बनकर तैयार हो गई है, वो भी बिना सिलाई मशीन के। आप किसी भी साइज़ के लड्डू गोपाल के लिए इसे बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।